आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से नान और दाल फ्राई। आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो तो झटपट से आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये सारा सामान हमारे घर में ही अवेलेबल होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीलम। स्वागत है आपका नीलम किचन में। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। मैं उसमें 2 कप चने की दाल डाल दूंगी और 1/2 कप हरी मूंग की दाल डाल दूंगी। ये मूंग की दाल डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और साफ़ पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हमारी दाल भीगती है, हम नान का आटा तैयार कर लेते हैं। हम गेहूं के आटे से नान बना रहे हैं, तो मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी शुगर पाउडर डाल देंगे और 4 टीस्पून हम इसमें ऑयल या घी डाल देंगे। मैं इसमें घी डाल रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1/4 कप हम इसमें फ्रेश दही डाल देंगे। दही फ्रेश होना चाहिए और दही में ही हम इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 कप हमने गर्म दूध लिया है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो को हमें अच्छी तरह से मसलते हुए सॉफ्ट बनाना है। आज हम गेहूं के आटे से नान बना रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। हमारा आटा अभी थोड़ा सा सख्त है, हम थोड़ा सा गर्म दूध और ले लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। हमारा आटा जितना सॉफ्ट होगा, हमारे नान भी उतने ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। ये देखिए आटा हमारा कितना शाइन कर रहा है। थोड़ा सा घी लगाकर हम इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे और 30 मिनट्स के लिए इसे हम ढककर रख देंगे। तब तक हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। दाल हमारी फूल कर अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब हम दाल से पानी को अलग कर देंगे और एक कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। दाल को हमने कुकर में डाल दिया है। 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा होने पर। और हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच उसमें घी डाल देंगे। घी या ऑयल डालने से जब हमारे कुकर में सीटी आती है तो दाल निकलकर बाहर नहीं आती है। कुकर को गैस पर रख देंगे और फुल फ्लेम पर हम इसमें 5 से 6 सीटी लेंगे और प्रेशर ख़त्म होने के बाद ही हम कुकर को खोलेंगे। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है, हमने दाल खोल ली है। चेक कर लेते हैं, दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। देखिए हमारी दाल बनकर तैयार है, लेकिन मुझे अभी ये गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें 1/2 गिलास गर्म पानी और डाल दूंगी। हमारी दाल का टेक्सचर बिल्कुल सही है। अब हम तड़के के लिए कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा तड़कने के बाद हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम आकार के 2 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ज़रा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हम दाल में डाल चुके हैं। टमाटर सॉफ्ट होने के लिए हमने नमक डाला है। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे। मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक हम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। जब हमारे मसालों से अच्छी खुशबू आ जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे मसाले सिक चुके हैं। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले सिक चुके हैं। अब हम अपनी दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमें मसालों को दाल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देंगे, जो मैंने तवे के ऊपर भुनी थी, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें दाल को ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी दाल का कलर कितना अच्छा निकल कर आया है, दाल का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। अब हम दाल को सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दाल हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये नान के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। अब हम डो चेक कर लेते हैं। 30 मिनट्स हो गए हैं,
देखिए हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा एक बार फिर से मसल लेते हैं। डो नान बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम एक लोई तोड़ लेंगे और उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम बेल लेंगे। हमें चारों तरफ से बराबर बेलना है, ना ही हमें नान को मोटा करना है और ना ही पतला करना है। हम इसमें थोड़े से काले तिल डाल देंगे और इसे एक बार बेलन से प्रेस कर देंगे। आप इसे ओवल शेप में भी बना सकते हैं, मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। मैंने नान को हाथ में ले लिया है। अब मैं इसके बैक साइड में पानी लगा दूंगी और उंगलियों से इसे टैप टैप कर दूंगी। टैप करने से क्या होगा कि हमारा नान फूलेगा नहीं। यदि हमारा नान फूल जाता है तो एक पतली सी परत तवे के ऊपर चिपक जाती है, जिससे हमारा नान अच्छी तरह से सिकता नहीं है। तवा हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और गर्म तवे पर ही हमें नान डालनी है। हम इसे थोड़ा सा कपड़े से दबा देंगे। देखिए नान हमारी नीचे से सिक चुकी है। अब हम तवा को उल्टा करके नान को मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है ताकि हमारी नान चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। थोड़ा सा और सेक लेते हैं। देखिए नान हमारी बिल्कुल सिक कर रेडी है। कितनी करारी नान बनी है आप देख सकते हैं, पीछे से भी अच्छी तरह से सिक चुकी है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर घी लगा दूंगी। आप बटर भी लगा सकते हैं, मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। इसी तरह से हम अपनी दूसरी नान तैयार कर लेंगे। मैंने एक लोई में सूखा आटा लगा लिया है, मैं उसे बेल लेती हूँ। थोड़े से मैं उसके ऊपर काले तिल डाल दूंगी और बेलन से प्रेस कर दूंगी। हाथ पर रख कर मैंने उसी तरह से इस पे पानी लगा दिया है। पानी हमें अच्छी तरह से चारों तरफ लगाना है और पानी की साइड को ही तवे पर डालना है। हम इसे टैप 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 कर देते हैं। अब इसे तवे पर डाल देंगे और थोड़ा हाथ से ही हम इसे प्रेस कर देंगे। नान हमारी दूसरी साइड से सिक चुकी है। अब तवा को उल्टा करके हम उसे मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। तवा को घुमाते हुए हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से सेकेंगे। देखिए नान हमारी सिक कर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम तवे से उतार लेते हैं। देखिए हमारी नान कितनी अच्छी बनी है और पीछे की साइड से भी बहुत ही अच्छी सिक कर तैयार हो गई है। प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें घी लगा देंगे। हमारी नान सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नान और दाल फ्राई सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए हमारी नान कितनी सॉफ्ट बनी है आप देख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।